नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी, वो है लाल साग करी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। कैसे बनता है लाल साग करी, चलिए सीख लेते हैं। लाल साग करी के लिए यहाँ पर मैंने लाल साग ले लिया है, इसे धोकर काट लिया है, एकदम अच्छे से साफ कर लेना है इसे। यहाँ पर मेरे पास 3 पंच साग हैं और इसमें जाएगा, यहाँ पर मैंने एक आलू को ऐसे काट लिया है लंबा लंबा आकार में। इसमें जाएगा थोड़े से उड़द दाल के बड़ी। पहले इसके लिए एक मसाला पेस्ट रेडी करते हैं। पेस्ट में जाएगा ये लहसुन, यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन है, 2 लाल मिर्चें जाएंगी, 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड जाएगा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा जाएगा। अब इसको हमें ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। चलिए पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए ऐसा ही पेस्ट बनाना है हमें अपने करी के लिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। कढ़ाई यहाँ पर गरम कर लिए। पहले हम बड़ी को फ्राई करेंगे। मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे, तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे। तेल यहाँ पर गरम हो गया है, चलिए बड़ी फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से इसे लाल करके फ्राई कर लेना है। यहाँ पर बड़ी एकदम लाल हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी फ्राई करके निकाल ली है। चलिए अभी अपना करी शुरू करते हैं। तेल यहाँ पर है और थोड़ा सा 1/2 चम्मच तेल जाएगा इसमें। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 5 फोरन डालेंगे। 1 सूखी हुई लाल मिर्च यहाँ पर डाल देंगे और ये कटा हुआ आलू इसमें जाएगा। यहाँ पर आलू लाल होना शुरू हो गया है, इसमें जाएगा नमक और हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/4 छोटा चम्मच। इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। इसी वक्त हम अपना ये मस्टर्ड वाला पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसी कटोरी को धोकर इसमें पानी डाल देंगे। पांच मिनट बाद मसाला को चेक कर लेते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, सिर्फ और 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे करी के लिए। यहाँ पर लगभग मैंने 1 गिलास पानी दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि ये आलू पक जाए, उसके बाद हम अपना साग ऐड करेंगे। 5 मिनट बाद आलू को चेक कर लेते हैं। आलू पक गए हैं, अब इसमें हम अपना लाल साग ऐड करेंगे। साग को आलू के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें ये हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए इसे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक लेते हैं, साग भी अच्छे से पक जाए आलू के साथ। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अपना साग चेक कर लेते हैं। एकदम साग भी पक गया है, करी एकदम रेडी हो गई है। अब इसमें जो हमने फ्राई करके रखी थी ना बड़ी, उसको हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। बड़ी लास्ट में ही डालिए, तभी इसका थोड़ा क्रंच रहेगा, नहीं तो पहले डाल देंगे तो सॉगी हो जाएगा। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारी लाल साग करी एकदम रेडी हो गई है। बहुत ही आसान सी डिश है और एक ट्रेडिशनल डिश है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। स्टीम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा लगा रेसिपी ज़रूर से कॉमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज मुझे विदा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।